यूएस वगैरह ने इंडिया में इन्वेस्ट किया था, तो कंप्यूटर साइंस और टेक्नोलॉजी की फील्ड में इंडिया बहुत आगे तक चला गया था। बेसिकली कंट्री की वेलफेयर के लिए या वेलबींग के लिए या प्रोग्रेस के लिए, तो मेरे ख्याल से ये काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। मैं आपको बताती चलूँ कि किस चीज़ में इन्वेस्टमेंट हुई। इन्वेस्टमेंट है ज्वेलरी में, क्लोथिंग में, लेदर में, इस तरह की जो एक्सेसरीज वगैरह हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज शाहरुख एंड यू आर वाचिंग द हॉरिफाइड स्पीक्स। गाइस, आज के टॉपिक इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के रिलेशंस के बारे में है। दोनों ममालिक के बीच किस तरह के रिलेशन चल रहे हैं और क्या डील साइन हुई है, क्या फ्यूचर इनके आने वाला है, उसके बारे में है। रिसेंटली 2nd अप्रैल 2022 को एक डील साइन हुई है बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, पीएम मोदी एंड मॉरिसन। उन्होंने एक डील साइन की है, एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, जिसके अकॉर्डिंग ऑस्ट्रेलिया से गुड्स आएंगे, जिसमें स्पोर्ट्स गुड्स हैं और ज्वेलरी है और लेदर है और अदर क्लोथिंग ब्रांड्स वगैरह हैं, और क्लोथिंग की जो आपको क्लोथिंग वगैरह मिलती है, ओवरऑल क्लोथिंग है बेसिकली। सो ये सारी चीज़ें टैक्स फ्री इंडिया में आएंगी और इंडिया इज़ गोइंग टू सेल देम, जिसके हिसाब से दोनों की जो आपस के इकोनॉमिक रिलेशन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाले हैं। वो तो खैर हमें सबको नज़र भी आ रहा है। और रिसेंटली अगर हम पास्ट की बात करें तो इंडिया के बाकी ममालिक के साथ, जैसे कि जापान है, USA एंड मैनी अदर कंट्रीज, आई कैन नॉट इवन नेम देम, काफ़ी लंबी लिस्ट बन जाएगी, तो उनके साथ भी काफ़ी अच्छे रिलेशंस रहे हैं। और अब हमें देखने को मिल रहा है कि ऑस्ट्रेलिया के साथ काफ़ी अच्छे रिलेशंस हो चुके हैं और 1500 करोड़ की ये डील साइन हुई है। तो टॉपिक मेरा आज का यही है, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन मैं चल के करूँगी यहाँ अपनी पाकिस्तानी आवाम से। सो वीडियो देखते रहिए प्लीज़। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? सैयद हुसैन। क्या करते हो? LLB कर रहा हूँ मैं UMT से। आज का मेरा टॉपिक है फॉरेन रिलेशंस का, और स्पेसिफिक टॉपिक है इंडिया के फॉरेन रिलेशंस विद ऑस्ट्रेलिया। हमने हमेशा ही देखा है कि इंडिया के किसी भी मुल्क के साथ, हम चाहे जापान की बात कर लें, US की बात कर लें, और अब हम आज बात कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया की, तो इंडिया के बहुत अच्छे रिलेशंस रहे हैं और इकोनॉमी के मुताबिक, इकोनॉमी के लिए उन्होंने हमेशा अपना बेस्ट किया और वो पूरी दुनिया को दिखता है कि उन्होंने कितना अच्छा किया और उस पर प्रोग्रेस भी किया। सो रिसेंटली अभी पहले भी हिस्टोरिक इनकी कोलेबोरेशन रही आपस में, लेकिन अभी 2nd अप्रैल 2022 मोदी जी ने एक डील साइन की है विद मॉरिसन, जो ऑस्ट्रेलिया के मिनिस्टर हैं, ठीक है, उनके साथ। तो उसके मुताबिक ये होगा कि ऑस्ट्रेलिया से जो कहते हैं ट्रेडिंग की चीज़ें हैं वो यहाँ पे आएंगी, जो वर्थ हैं तकरीबन 1500 करोड़ के। तो ये सारी कुछ इस तरह की कोलेबोरेशन होने वाली है, इस तरह की जो फॉरेन रिलेशंस हैं इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की। आज एग्जांपल मैं दे रही हूँ, एक मुल्क के लिए ये कितना ज़रूरी है इस तरह के फॉरेन रिलेशंस, मुझे आप ये बताएं। फिर आप मुझे ये बताएं कि इंडिया के लिए ये कितना प्रोग्रेसिव है, इंडिया के लिए कितना फ़ायदेमंद होने वाला है। जी बिल्कुल, हम देखते हैं कि नॉर्मली इंडिया की डिप्लोमेसी पाकिस्तान से तो कम अज़ कम बहुत अच्छी है। Absolutely. और इंडिया ने अपनी जो कंज्यूमर मार्केट है उसको बहुत आगे तक लेके गए हैं। इंडिया की तकरीबन नंबर 1 या नंबर 2 पॉपुलेशन है, आई थिंक फर्स्ट तो चाइना की है, नंबर 2 इंडिया की है। तो उसको ना अपनी पॉपुलेशन को प्रोवाइड करने के लिए दूसरे मुल्कों से इन्वेस्टमेंट लाते हैं और वो कामयाब रहे हैं। ये तो ऐसे ही है जैसे पानी बगैर मछली नहीं रह सकती, वैसे ज़रूरी है, क्योंकि हर मुल्क के जैसे मोहल्ले में बना के रखनी ज़रूरी है, वैसे ही मेरे देखने में मुल्क की दूसरे मुल्क के साथ भी बना के रखनी बहुत ज़रूरी है। हमारी कॉम्प्रेंस और हर चीज़, हमें स्पोर्ट चाहिए होती है, मिलिट्री स्पोर्ट, और उसके बाद वैसे भी नेशनलिज्म, और अमेरिका के साथ हो तो वो तो यूनाइटेड स्टेट है, वो तो हमारी नेशनल पावर है। उसके साथ इंडिया ने किया है, पाकिस्तान को इसमें काफ़ी लॉस है, लेकिन इंडिया तो बाकी वैसे भी बहुत ज़्यादा तरक्की ममालिक है और इससे वो बहुत ज़्यादा ग्रोथ करेगा और ज़्यादा तरक्की करेगा। बेसिकली ये जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हम कह सकते हैं इसको, इस कैटेगरी में आ जाते हैं, ये तो काफ़ी ज़्यादा यानी ज़रूरी है। पाकिस्तान भी तकरीबन जो भी हमारे यानी गुड्स हैं या मटेरियल्स यहाँ पे होते हैं वो हम एक्सपोर्ट ही करते हैं, तकरीबन अपने मुल्क में कम रखते हैं। तो बेसिकली कंट्री की वेलफेयर के लिए या वेलबींग के लिए या प्रोग्रेस के लिए, तो मेरे ख्याल से ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। पाकिस्तान को भी इससे सीखना चाहिए लाजमी, कि हमारी भी पॉपुलेशन टॉप 10 में तो आती है, आई थिंक 5th या 6th नंबर पर है, तो हमें भी सीखना चाहिए और जितने भी हमारे ताल्लुकात हैं दूसरे मुल्कों पर उसको हमें सेकंड टर्म पे रखना चाहिए और सबसे पहले अपनी पॉपुलेशन की प्रॉस्पेरिटी और उनको जो हमें चीज़ें प्रोवाइड की उसको हमने फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखना चाहिए। इंडिया की तरफ तो इसकी तरफ मुझे काफ़ी अचीवमेंट्स नज़र आ रही हैं, क्योंकि उनके ऊपर टैक्स फ्री है सब तो पहले, तो क्योंकि जब टैक्स फ्री होगा चीज़ें ज़्यादा आएंगी और क्वान्टिटी ज़्यादा आएगी और
कोई टैक्स भी नहीं होगा उस पर, तो उसमें आप ज़्यादा परचेजिंग करेंगे और कम पैसों में परचेजिंग करेंगे। बात करें दोबारा हम इंडिया के लिए कितना ह्यूज स्टेप है, किस तरह की किस टाइप की आपको प्रोग्रेस नज़र आने वाली है और कितना फ़ायदा होने वाला है ये ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की रिलेशनशिप से। अब पाकिस्तान कहाँ पे लैग कर रहा है ये तो खैर आपने मुझे आंसर दे ही दिया है, किसी भी मुल्क की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए उसके प्रोग्रेस के लिए क्या फॉरेन रिलेशन ज़रूरी होते हैं, वो तो खैर इंडिया ने हमें प्रूव कर दिया, आपका इस पर क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? हम चाइना के साथ थोड़ा बहुत हमारा है और उसके अलावा तो हमने सबसे ख़राब कर लिया, जैसे कि है इमरान खान साहब ने अब रशिया के साथ तलुकात बढ़ा लिए और कह दिया उसे कि एब्सोल्युटली नॉट, जैसे उसने कहा है दूसरे को अमेरिका को, हम तो ख़त्म होने वाले हैं शायद, पता नहीं अल्लाह बेहतर करेगा ये। अब बिल्कुल मेरे ख्याल से ज़रूरी होता है, जैसे आपने कहा है कि इंडिया के यानी किसी कंट्रीज से अच्छे हैं तो हमारे भी यानी इस लिहाज से हम कह सकते हैं कि चाइना से हमारे अच्छे हैं या और कोई कंट्रीज हैं, तो मेरे ख्याल से मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से या वैसे मैं कह सकता हूँ कि हर कंट्री के लिए ज़रूरी है, हर कोई भी कंट्री उसके लिए ज़रूरी है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बगैर मेरे ख्याल से इकॉनमी या कोई भी कंट्री ग्रो नहीं कर सकती। लेकिन हमने देखा है कि नॉर्मली जब US वगैरह ने इंडिया में इन्वेस्ट किया था तो कंप्यूटर साइंस और टेक्नोलॉजी की फील्ड में इंडिया बहुत आगे तक चला गया था और एग्रीकल्चर में भी वो बहुत आगे है, तो नॉर्मली वो जिस फील्ड में उन्होंने इन्वेस्ट किया होगा उसमें रेवोल्यूशन आ जाएगा, क्योंकि 1500 करोड़ एक बहुत बड़ी रकम है जो कि इंडिया में उन्होंने इन्वेस्ट की है। अभी रिसेंटली आप 30 साल देख लें या 40 साल देख लें, इंडिया ने बहुत ज़्यादा ग्रो किया है इन इकॉनमी एज वेल एज इन एजुकेशन एज वेल, मिलिट्री जिस चीज़ की बात करें मतलब उन्होंने किया है, वो अपने बिहाफ पे भी कर रहे हैं और क्या कहते हैं उनके फॉरेन रिलेशंस हैं वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इस पे ओवरऑल क्या रिव्यू है आपका? अगर मैं आपको बताती चलूँ कि किस चीज़ में इन्वेस्टमेंट हुई है, इन्वेस्टमेंट है ज्वेलरी में, क्लोथिंग में, लेदर में, इस तरह की जो एक्सेसरीज़ वगैरह हैं जो आपकी डेली यूज़ के लिए होती हैं और हर इंसान के यूज़ के लिए होती हैं, वेदर वो बड़ा है या छोटा है, मतलब लाइक लो क्लास से भी फॉलो करता है या मिडिल क्लास जो भी है, तो उन सब के लिए मतलब बड़े से लेकर छोटे तक हर किसी के लिए फ़ायदा होता है। मेरे ख्याल से तो उनने बहुत हमें पीछे छोड़ दिया इस मामले में, उनने अपने रिलेशंस काफ़ी अच्छे कर लिए हैं, तो मैं भी यही चाहता हूँ या आप भी चाहती होंगी कि हम भी चाहते हैं कि पाकिस्तान भी इस तरह के यानी स्टेप्स लें। हम चाहते हैं कि आजकल वैसे थोड़ा बहुत देखा जाए तो यानी बाहर के जो यूट्यूबर्स या इन्फ्लुएंसर्स हम कहते हैं वो आ रहे हैं पाकिस्तान में, लेकिन इंडिया हमसे फिर भी आगे जा रहा है इस चीज़ में, तो ये उनके लिए यानी उनने अपना ये जो लैग कर रहे थे वो इस फील्ड में उनने काबू पा लिया है। थैंक यू सो मच, बाकी बहुत फायदा होगा। सो गाइस ये थी आज की वीडियो, आई होप आपको पसंद आई होगी। आप लोग नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं आपका इस पे क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, वेदर दे आर फ्रॉम इंडिया और पाकिस्तान, के ये इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का जो डील साइन हुई है, एक पैक्ट साइन हुआ है, फर्दर आगे फ्यूचर में बहुत अच्छा होने वाला है, आपका इस पे क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। वीडियो अगर पसंद आई दीजिएगा, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए, एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।